नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मासिक राशिफल और सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि 21 जून को एक पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और साल में ये एक ही सूर्य ग्रहण है दर्शकों, जो कि हिंदुस्तान में दिखने वाला है और जिसका बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक असर देश दुनिया पर पड़ने वाला है। और इसमें ये भी चीज़ एक ध्यान देने वाली है कि 6-6 वक्री ग्रह भी होंगे इस दौरान। 6 वक्री ग्रह क्या प्रभाव डालेंगे मिथुन राशि के ऊपर जून के महीने में, और सूर्य ग्रहण और 6 वक्री ग्रह इनका क्या प्रभाव रहेगा, ये आज हम आपको जानकारी देंगे दर्शकों। और सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये ग्रहण जो है कितने समय से कितने बजे तक रहने वाला है और क्या इसका सूतक काल होगा। देखिए दर्शकों, जो ग्रहण है सुबह 10:14 पर लग जाएगा और दोपहर में 1:38 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा और इसका पूर्ण रूप से प्रभाव जो है मिथुन राशि के ऊपर पड़ने जा रहा है। वो पूछेंगे आप कैसे, क्योंकि मिथुन राशि में ही ये ग्रहण पड़ने जा रहा है और मिथुन राशि को ये ग्रहण बहुत ज़बरदस्त असर डालेगा। जिस राशि पर ग्रहण होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दर्शकों को असर पड़ता है, या जहाँ पर दृष्टि पड़ती है ग्रहण की तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बड़ा असर होता है। यानी कि मिथुन राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है और सप्तम दृष्टि किस पर आती है, धनु राशि पर। तो मिथुन राशि वालों के बाद अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका असर होगा तो वो धनु राशि का होगा। तो दर्शकों, इसका सूतक काल भी बता देते हैं जो कि एक दिन पहले 10:14 रात को लग जाएगा 20 जून को, और सूतक काल के बाद सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। और जैसे इस बार तो लॉकडाउन है तो मंदिर वगैरह पहले से ही बंद है, तो पूजा पाठ तो होने का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर। और कहते हैं कि सूतक काल के दौरान घर पर भी आपको कोई भी किसी तरह की पूजा साधना या कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं करना चाहिए, और ये काफ़ी फायदेमंद रहता है क्योंकि सूतक लग जाता है। तो दर्शकों, ये हमने आपको जानकारी दी कि ग्रहण के समय के बारे में। और दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि के ऊपर, क्योंकि मिथुन राशि पर ये ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो मिथुन राशि वालों को बता दें, आपको कोई बड़ा आघात लग सकता है, कोई बड़ा झटका लग सकता है, कोई आपको अपना ही कोई धोखा दे सकता है, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है मिथुन राशि वालों को यहाँ। और ख़ासकर वैवाहिक जीवन में भी दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है, लव रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, और छोटे भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा मिथुन राशि वालों को सावधान रहना चाहिए इस ग्रहण के दौरान। उनको कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज़्यादा हावी रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, इस चीज़ से दर्शकों को बचना चाहिए जो मिथुन राशि वाले हैं। 21 जून का ग्रहण वरना बड़ी परेशानी आपको दे सकता है। और साथ ही साथ कहीं निवेश करने से बचना चाहिए, किसी को पैसा उधार ना लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे तो अभी रुक जाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ दर्शकों, ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण का असर जो है अगले 6 महीने तक रहने वाला है, यानी कि नवंबर तक आपके ऊपर असर रहेगा। तो नवंबर तक कोई भी काम जो करें बहुत सावधानी से करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शुभ दशा चल रही है तो ये जो अशुभ परिणाम है ये बहुत कम रहेंगे। अगर अशुभ दशा चल रही है, 6-8-12वें भाव के ग्रह की दशा चल रही है, शनि राहु की दशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, और ये अंतरदशा है, और ये ग्रह आपकी कुंडली में नेष्ट होकर बैठे हैं, या 6-8-12 भाव के स्वामी होकर बैठे हैं या इन भावों में बैठे हैं, तो फिर थोड़ा सा परेशानी रहेगी। उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाकर ये विस्तार से जान सकते हैं कि क्या राशि के ऊपर ग्रहण के अलावा मेरी कुंडली में कोई और समस्या तो नहीं समय रहेगी। तो मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस ग्रहण में, किसी भी तरह के वाद विवाद से भी बचना आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा परेशानी का सामना जो है मिथुन राशि वालों को करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों पर इस समय नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी बचिए, आप इस परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। 1 जुलाई का वो समय रहेगा जब आपको चेंज करना चाहिए, और दर्शकों जब जुलाई का राशिफल आएगा तो उसमें आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे, लेकिन अभी किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए।
और आपको इस ग्रहण के दौरान अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस शो के अंत में आपको बताएंगे वो उपाय क्या है। घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर परेशानी है तो उसका समाधान नहीं है, यहीं पर ही आपको उपाय बता दिया जाएगा कि क्या आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, आते हैं मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के ऊपर। मिथुन राशि वालों, आपके स्वास्थ्य में इस माह उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कब कोल्ड की समस्या, बुखार इत्यादि आपको ज्यादा समस्या रह सकती है। मानसिक तनाव से आप इस समय बहुत ज्यादा पीड़ित रह सकते हैं। गुप्त रोग, मूत्र संबंधी रोग, ये इस समय आपको पीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि जो घरों की स्थिति चल रही है वो आपके लिए इतनी बेहतर होती भी नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधान रहना चाहिए। लग्न में जो राहु है वो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। ऐसे ही सप्तम भाव का जो केतु है गुप्त रोग दे सकता है। नाभि या नाभि से नीचे के रोग इस समय पुरुषों या महिलाओं को रह सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहिए। और कफ कोल्ड छाती संबंधी रोग भी इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिलाकर दर्शकों, ये मिथुन राशि वालों को संभल कर चलने का समय रहेगा इनका, क्योंकि इनके इस समय ढैया भी चल रही है। अष्टम भाव में शनि और गुरु का योग है और गुरु अब इनके वक्री हुए हैं, तो जब तक इनके गुरु धनु राशि में वक्री नहीं हो जाते तब तक इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम आपको उपाय बताएंगे, वो करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके काम कारोबार की। मिथुन राशि वालों, आपके काम कारोबार की स्थिति इस माह बेहतर होती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार आपका बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी बहुत अच्छी आपकी चलेगी, नौकरी में कोई खतरा नहीं रहने वाला है। रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे आपके ऑफिस में, आपके कलीग के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन स्वास्थ्य के चलते छुट्टियां कुछ लेनी पड़ सकती हैं, थोड़ा सावधान रहिए, अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपका सहयोगी जो है आपके लिए वाद विवाद की स्थिति खड़ा कर सकता है, तो सलाह दी जाती है कि किसी के साथ संबंध खराब ना करें इन दिनों, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी परिवर्तन से इस समय अभी जैसे हमने बोला ये भी बचना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके व्यवसाय की। देखिए, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ये समय आपका मिला जुला रहने वाला है। इस माह आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, खर्च अधिक रहेगा और आय के साधन कम होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आमदनी कम रहेगी, ऐसे कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सामान्य लाभ यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है मिथुन राशि वालों को। सामान्य लाभ लेने के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, जो आपकी एक नियमित ठोस आय है वो होती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं इसमें दिख रही है, इसलिए हम आपको ये सचेत कर रहे हैं। कहीं भी निवेश करने से बचें, बड़े परिवर्तन से इस समय बचें मिथुन राशि वालों, व्यवसाय में तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई नया काम करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, संभल कर रहिए, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी पुराने मित्र के साथ झड़प भी हो सकती है, इसलिए आपको कहा है कि वाणी पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कड़वा बोलेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ये इस महीने का मूल मंत्र है दर्शकों। मीठा बोलिए और शुभ फल पाइए, ये गुरु मंत्र है इस महीने का। इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपको। वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं, तनावपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं, क्योंकि आप ही की राशि में ग्रहण भी है। क्रोध की अधिकता से जीवन साथी के साथ बेवजह आप उलझते रहेंगे, व्यर्थ के वाद विवाद में घिरे रहेंगे, तो थोड़ा संभल कर चाहिए इस समय दर्शकों। ढैया भी है और गुरु भी आपके वक्री हो चले हैं, तो ये जीवन साथी के संबंधों के साथ खटास पैदा हो सकती है अगर आपने व्यर्थ के वाद विवाद करे तो। नहीं उलझेंगे तो कोई समस्या नहीं रहने वाली है। दूसरी बात है कि जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें, इस समय बहुत बेहतर रहेगा, अन्यथा उनको कोई परेशानी आ सकती है। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, वाणी पर संयम रखें और पत्नी को पूरा सम्मान दें, पति को सम्मान दें, अपने स्पाउस को सम्मान दें, तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने आपसे संबंध बिल्कुल खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर, यानी कि धन कैसा रहेगा, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन लाभ के योग आपके दर्शकों बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय काफी अच्छा आपको लाभ मिलेगा, मंगल के सहयोग से आपके काम बन जाएंगे, और पर खर्च भी अधिक दिखा रहा है, तो इसलिए पैसा तो आएगा लेकिन वो खर्च भी हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि जो खर्चा तैयार खड़ा है उसके लिए पैसा आ जाएगा, आपको अपनी सेविंग्स में से नहीं खर्च करना पड़ेगा, ये भी मान लीजिए। कुल मिलाकर आय भी हो रही है और व्यय भी हो रही है, बराबर इस समय दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिए, फिजूल खर्ची से बचेंगे तो मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत फायदेमंद ये रहेगा। अब हमारी सलाह क्या है? देखिए, सलाह यह है कि वाणी पर संयम रखें, व्यर्थ के वाद विवाद टाल दें, इस समय आप बेहतर रहेगा आपके लिए। नौकरी व्यवसाय में बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं, तो वाणी पर संयम रखें, मिल बैठकर मसला सुलझाएं तो ये बेहतर रहेगा और सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, अब कार्यक्रम के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यानी कि ग्रहण से बचने के उपाय क्या है। देखिए, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे आप ग्रहण वाले दिन, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहण काल के बाद स्नान कीजिए, अपने वजन के बराबर गेहूं दान करें, कोई फल इत्यादि दान करें, गुड़ का दान करें, मच्छरदानी का दान कर सकते हैं, इस समय जो सीजन है उसका विशेष लाभ मिलेगा। गरीबों को भोजन खिलाएंगे, गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। गणेश जी की आराधना करना इस माह सामान्य तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नारियल का दान करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, और बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले वस्त्र का दान करना है या बेसन के लड्डू का दान करना है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। रोजाना नहाने के पश्चात चंदन या केसर का तिलक लगाने से या हल्दी का तिलक लगाने से आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, और ये माह आपके लिए धीरे धीरे मंगलमय होता हुआ नजर आएगा। तो दर्शकों, आपको जानकारी दी हमने जून मास में मिथुन राशि पर ग्रहण का असर क्या रहेगा और मासिक राशि पर क्या रहेगा। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर बात करके अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम जानकारी देंगे कर्क राशि के ऊपर ग्रहण का क्या असर रहेगा और कर्क राशि का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।